क्विंस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्विंस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। और मैं संभाजी नगर तो मांग कर आया हूं भाई, संभाजी नगर मांग कर आया हूं। पूरे देश में संभाजी नगर का जाम नाम पुटते हैं और कोई पुटता है वहां से एमपी किस पार्टी का है तो कहते हैं मजलिस का है। क्या आप लोग आज यहां से तय कर जाएंगे कि ये मजलिस को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी को एक कमल यहां से भेजेंगे? आप आज मैं संभाजी नगर आया हूं, संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री लोह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने मराठावाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को एक कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, इन नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी एलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो, 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का, जरा जोर से बोलो कितना। मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8,00,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए, 10 साल में 16,00,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बेचे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और मुझे बताओ, ये संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आज उद्धव ठाकरे जी, आपको सर माननी चाहिए, आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया और औरंगाबाद से संभाजी नगर की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? मित्रों, ये लोग सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग अपने परिवार की राजनीति करते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेस ने क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी और एक गमंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, उसको जान लो,
ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया, ओबीसी कमीशन बनाने का विरोध किया, कश्मीर में वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्राइबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया, भारत में वैक्सीन आई उसको बदनाम करने का विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया और अंत में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, विरोधी उनका काम बचा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।